के अंतर्गत पाठ चार भारत की न्यायपालिका यह महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले पढ़ने वाले इसकी जानकारी लेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना। भारत की न्यायपालिका विधान मंडल और कार्यकारी मंडल के साथ न्यायमंडल भी शासन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। विधान मंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कार्यकारी मंडल उसका कार्यान्वयन करता है तथा न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करती है। अब हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चलाने का कार्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विधानमंडल। विधानमंडल का सबसे बड़ा काम है कानून बनाना। तो जो भी कानून है हमारे संसद में बनते हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारे हित में, प्रजा हित में जो भी काम करना है, कानून बनाना है, वह कार्य संसद में होता है। अब बाकी जो कार्यकारी मंडल है उसका कार्यान्वयन करता है, वो किस तरह से कानून काम करे इसके लिए कार्य करता है। और अगर कहीं कानून हमारे हित में नहीं है तो हम उसके लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं, न्यायपालिका से न्याय की गुहार कर सकते हैं। और न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है न्याय देने का। अब इस पाठ में हम न्यायपालिका द्वारा न्यायदान कैसे किया जाता है जिससे समाज में निहित अन्याय दूर होकर सामाजिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है इस पर विचार करने वाले। उससे पहले हम न्यायदान की आवश्यकता क्यों होती है इसकी जानकारी लेंगे। तो न्यायदान की जरूरत क्यों पड़ी, हमें न्यायालय तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में देखेंगे इस पाठ में। व्यक्ति व्यक्ति में विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं, श्रद्धा, संस्कृति आदि को लेकर भिन्नता, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखने पर संघर्ष नहीं होता, परंतु मत भिन्नता बहुत अधिक बढ़ने पर इससे संघर्ष उत्पन्न होता है और ऐसे समय उसका निष्पक्ष दृष्टि से निराकरण करने के लिए कानून का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए न्यायपालिका जैसे निष्पक्ष व्यवस्था की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने जो भी बनाया है सबको अलग अलग बनाया है। सभी के विचार, दृष्टिकोण, मान्यताएं, श्रद्धा, संस्कृति सब अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। किंतु प्रत्येक धर्म के प्रति यदि सहिष्णुता होगी, सबके धर्म के प्रति सम्मान की भावना होगी तो कभी आपस में टकराव नहीं होगा। लेकिन अगर मतभिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेरा मत दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो गए है, दो सगे भाई में भी आपस में मतभेद होता है, दोनों का विचार एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जब मतभेद होता है तभी संघर्ष उत्पन्न होता है, और जब बात बहुत ज्यादा हो जाती है तब कानून का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए न्यायपालिका जैसी निष्पक्ष संस्था जहां पर निष्पक्ष रूप से जो सत्य है, जो सही है, उसके हिसाब से न्याय देने का कार्य न्यायालय करता है। व्यक्ति और शासन संस्था में भी हित संबंधों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जब लोगों को शासन का कोई निर्णय अथवा कानून अन्यायकारक लगता है तब वे इसके विरोध में न्यायालय में न्याय मांग सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कुछ दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, इसी तरह अगर व्यक्ति और शासन संस्था जो भी प्रशासन में है उससे जब टकराव होता है उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस तरह से अनेक संघर्ष व्यक्ति और बाकी के लोगों में शासन व्यवस्था में होते रहते हैं, तब हम न्यायालय से न्याय की गुहार, न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं। सरकार संविधान में निहित न्याय और समता, इन उद्देश्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में लाने का प्रयत्न करती है। उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी कुछ फैसलों द्वारा अथवा सक्रिय भूमिका लेकर सरकार को समर्थन दे सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और किन्नरों आदि समाज वर्गों को न्यायालय मुख्य प्रवाह में लाने के लिए मदद कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान में जो भी बातें लिखी गई है सरकार उसके हिसाब से लोगों में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इस तरह की भावना लाने का कार्य करती है। कभी कभी प्रजा में और प्रशासन में टकराव होता है तो ऐसे समय में न्याय व्यवस्था काम करती है। उसे कभी कभी सरकार के समर्थन में भी न्यायालय को खड़ा होना पड़ता है, कभी कभी उसके विरुद्ध भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं।
तो इस तरह से न्यायालय का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज के दुर्बल से दुर्बल घटक जो निचले स्तर पर लोग रहते हैं उसके साथ साथ महिला बच्चे दिव्यांग और किन्नरों के लिए भी न्याय की व्यवस्था की गई है, जिससे वह प्रशासन की जो मुख्य व्यवस्था है न्यायालय की मुख्य जो धारा है उसमें आ सके और सभी लोग नियम से चल सके, अपना जीवन यापन कर सके। स्वतंत्रता समता न्याय और लोकतंत्र के लाभ जब साधारण मनुष्य को मिलते हैं तब लोकतंत्र की व्याप्ति तथा गहराई और बढ़ जाती है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कानून का अधिराज्य, न्यायपालिका के कारण सुरक्षित रहता है, अमीर गरीब प्रगत अप्रगत स्त्री पुरुष इन सभी के लिए कानून समान रहता है, यह न्यायदान से स्पष्ट होता है। यहाँ पर न्यायदान गरीबी अमीरी इस तरह से नहीं, मतलब किसी तरह की कोई खाई नहीं, उसे सिर्फ न्यायालय को निष्पक्ष अपना कार्य करना है, जो सत्य है उसकी तरफ से फैसला करना है, भले वो प्रगत अप्रगत स्त्री पुरुष इस तरह की कोई भावना न्यायालय के समक्ष नहीं होती, कानून सभी के लिए समान है इससे स्पष्ट होता है और लोकतंत्र में हमारा विश्वास भरोसा बढ़ता है। जब हमें हमारे कार्य के लिए न्याय मिलता है, अगर हम पे किसी तरह का अन्याय हो रहा है न्यायालय में जाते हैं वहां पर अपनी बात रखते हैं, जब हमें न्याय मिलता है तो लोकतंत्र में अपने आप हमारा विश्वास बढ़ते चले जाता है। न्यायालय से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, कानून के अनुसार विवादों का हल निकाला जाता है और किसी भी गुट व्यक्ति की दमन दबाव की नीति अथवा तानाशाही के उत्पन्न होने पर रोक लगाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति तानाशाही रवैया अपनाता है, आपके खिलाफ कुछ इस तरह की हरकतें करता है कि जिससे आपके अधिकार बाधित हो, या किसी तरह से कोई जबरदस्ती करता है, तो हम न्यायालय में जाकर के अपने हित की रक्षा की गुहार कर सकते हैं और वहां पर उसकी तानाशाही पर रोक लगाने का काम न्यायालय करता है, वह न्यायदान देने का कार्य करता है। इस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। न्यायपालिका की रचना, भारत एक संघराज्य है और प्रत्येक संघराज्य का स्वतंत्र विधान मंडल और कार्यकारी मंडल है, परंतु न्यायपालिका मात्र संपूर्ण देश के लिए एक ही है, उसमें केंद्र और राज्य ऐसा कोई स्वतंत्र विभाजन नहीं। इसका अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप एकात्म है। इस न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के बाद के स्तर पर उच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय और उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय, अर्थात एक संघ राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक हमारा देश बना है पूरा भारत देश। और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि किस तरह से कुछ अधिकार केंद्र सरकार के पास है, कुछ विषय राज्य सरकार के अधीन है, तो कुछ दोनों के अधीन है जिसके हिसाब से वे अपना निर्णय ले सकते हैं। और जो न्यायपालिका की रचना है उसमें किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है, केंद्र राज्य ऐसा कोई विभाजन स्वतंत्र विभाजन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है वह दिल्ली में है, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय, उससे फिर छोटी जो न्यायालय है हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय हमारे यहाँ का मुंबई में है, और उसके बाद फिर जिला न्यायालय और उसी के पश्चात द्वयम न्यायालय, अर्थात द्वयम न्यायालय और उसके बाद जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था है न्यायपालिका की रचना हमारे देश में है। उच्चतम न्यायालय के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जाए, ऐसा संकेत या ऐसी परंपरा रही हमारे देश में, ऐसी परंपरा रही कि जो न्यायाधीश उच्चतम पद पर हो, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो, उसे मुख्य न्यायाधीश के पद पर रखा जाता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, एक एक बेंच होती है, प्रत्येक बेंच में 5 या 7 इस तरह की संख्या होती है न्यायाधीशों की, और उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायदान का कार्य किसी के दबाव में आकर नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश निर्भय रूप से न्यायदान करे, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया है, इसके लिए संविधान में निम्न प्रावधान, किसी भी तरह के दबाव में आकर के कार्य न करे न्यायाधीश, स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सके, भले वह मुख्य जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ भी अगर कोई फैसला देने की बारी आई
तो बिना दबाव के बिना किसी प्रेशर के कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के लिए की गई है। संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता की शर्तें स्पष्ट की है। इन पदों के लिए कुशल विधिवेत्ता, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद का अथवा वकालत का अनुभव प्राप्त व्यक्ति योग्य माना जाता है। अर्थात जो न्यायाधीश का पद होगा उसके लिए अनुभव सबसे ज्यादा देखा जाता है, और वो योग्य व्यक्ति हो, कुशल व्यक्ति हो, विधि का अच्छा ज्ञाता हो, जो नियम के बारे में, कानून के बारे में अच्छी तरह से समझता हो, और उसके लिए जितने अनुभव दिए गए उतना अनुभव मान्य होना चाहिए, तभी वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर जा सकता है, न्यायाधीश के पद पर जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इससे राजनीतिक दबाव को दूर रख सकते हैं। अर्थात कोई राजनीतिक दल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी एक विशिष्ट पार्टी के नहीं होते, राष्ट्रपति निष्पक्ष होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति ही न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जिससे किसी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, इस बात का विशिष्ट रूप से ध्यान रखा जाता है। न्यायाधीशों को सेवा की गारंटी होती है, सामान्य कारणों से अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात न्यायाधीशों की जो सेवा काल है वह पूरी तरह से सुरक्षित होता है, उसकी एक निश्चित गारंटी होती है। उन्हें किसी भी सामान्य कारण से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के नहीं हटाया जा सकता। अगर किसी सरकार को ऐसा लगता है कि न्यायाधीश मेरे पक्ष में कार्य नहीं कर रहे तो उसे हटा दूं, तो यह संभव नहीं है। उसके लिए विशिष्ट महाभियोग की तरह जो चलता है उसके लिए एक निश्चित प्रणाली दी गई है, व्यवस्था दी गई, उसी के आधार पर उस तरह के कोई आरोप अगर उस पर सिद्ध होते हैं तब जाकर के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अर्थात वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था प्रशासन में की गई है। और न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश न्यायालय के जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अवकाश ग्रहण करते हैं। न्यायाधीशों का वेतन भारत की अर्जित निधि से दिया जाता है और उस पर संसद में चर्चा नहीं होती। अर्थात उन्हें जो वेतन भी देना है वह भारत की अर्जित निधि, जो सरकार द्वारा कलेक्शन होता है उसमें से दिया जाता है, और उसमें किसी भी तरह की कोई चर्चा संसद में नहीं होती। न्यायाधीशों की कृति और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते। अगर कोई किसी तरह से व्यक्तिगत आलोचना करता भी है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। न्यायालय की अवमानना करना यह भी एक अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा दी जाती है। इस प्रावधान के कारण न्यायाधीशों को अनुचित आलोचना से संरक्षण तो मिलता ही है, साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। अर्थात जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वह फैसला सभी को मान्य होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत होती है, उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई उसे चुनौती भी देता है या न्यायाधीश को कुछ कहता है, अनुचित कहता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, और उसे किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, इसलिए ऐसी आलोचना से न्यायपालिका को संरक्षण मिलता है, न्यायाधीशों को संरक्षण प्राप्त है। संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं, परंतु न्यायाधीशों को पद से हटाने का और उन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। महाभियोग जो प्रक्रिया है वह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आरोप सिद्ध करने के बाद ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। उनके आचरण पर चर्चा करने का कोई अधिकार संसद को नहीं है। न्यायालय की सक्रियता, न्यायालय में अगर कोई विवाद आता है तो उसे न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। ऐसी न्यायालय के बारे में पारंपरिक छवि है। पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की छवि में परिवर्तन हुआ है और न्यायालय सक्रिय हुए। इसका अर्थ है कि न्यायालय अब संविधान में निहित न्याय समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समाज के दुर्बल वर्गों, महिला, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को कानून द्वारा संरक्षण देने का प्रयत्न न्यायालय द्वारा किया गया है। इसके लिए जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे कुछ वर्षों में दिखाई दिया है कि शायद लोगों के अधिकार किसी भी तरह से या प्रजा के हित में कुछ फैसले नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी अब न्यायालय सक्रिय हो गया है। जनहित में याचिका दायर कर सकते हैं हम, तो इससे मजदूर जो निर्बल है, बेसहारा दुर्बल घटक है, किसान है, बच्चे हैं, इनको भी कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त है।
सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयत्नशील नागरिक, सामाजिक संगठन अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपूर्ण जनता की ओर से न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका कहा जाता है। न्यायालय इस पर विचार करके निर्णय देता है। जैसे हमारे कहीं कोई अधिकार बाधित होते हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, तो कोई भी सामाजिक संगठन, जो एनजीओज होते हैं या सरकारी संगठन, जनता की ओर से न्यायालय में जनहित में याचिका दायर करते और न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाता है। उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य है यहाँ पर देखते हैं। संघ राज के न्यायालय की भूमिका के रूप में केंद्र शासन और घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना। जैसे दो राज्यों के बीच कोई विवाद है उसको हल करने का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है। जैसे दो राज्य है पानी के बंटवारे को लेकर के, कावेरी जल विवाद है जैसे, तो इस तरह से जो विवाद होते हैं दो घटक राज्यों के बीच या केंद्र शासित राज्य और घटक राज्य के बीच या केंद्र शासित राज्यों के बीच आपस में या केंद्र शासन और राज्य शासन के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद है तो उसे हल करने का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है अपना फैसला सुनाकर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए आदेश देना। अगर हमारे मौलिक अधिकारों को किसी भी तरह से सरकार का ऐसा कानून जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है या किसी भी तरह से उस पर बाधा आ रही है, तो उसके लिए आदेश देने का कार्य उच्चतम न्यायालय करता है। कनिष्ठ न्यायालय द्वारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से फिर जो छोटे लोअर कोर्ट है, वो अगर कोई गलत फैसला दिए उस पर पुनर्विचार, गलत फैसला या वो फैसला जो हमें मान्य नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यह फैसला उचित नहीं है, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह हमें मान्य करना होगा, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पर संवैधानिक परामर्श मांगते हैं तो उन्हें सलाह देना। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि किसी विषय पर उन्हें सलाह की जरूरत है तो सलाह देने का काम उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अब यहां पर परिच्छेद पढ़ो और लिखो दिया है, न्यायालयीन पुनर्विलोकन। उच्चतम न्यायालय पर और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है संविधान का संरक्षण करना। संविधान देश का मौलिक कानून है, यह हम जानते हैं। इस कानून का उल्लंघन होगा या उसका विरोधी कानून संसद नहीं बना सकती। कार्यकारी मंडल की प्रत्येक नीति और कृति का संविधान से सुसंगति रखना जरूरी है। संसद का कोई कानून या कार्यकारी मंडल की किसी कृति से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कृति को असंवैधानिक अथवा गैर कानूनी मानकर उसे रद्द कर देता है। न्यायालय के इस अधिकार को पुनर्विलोकन का अधिकार कहा जाता है। तो ऐसा कोई कानून जो संविधान ने बनाया है और वह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ऐसा कोई कानून जो संसद नहीं बना सकती, जो प्रजा के हित में नहीं है, अगर ऐसा कुछ बनता भी है उसके खिलाफ न्यायालय में हम जा सकते हैं और न्यायालय उस कानून को रद्द करता है। अब यहां पर उच्च न्यायालय भी है। भारतीय संविधान में निहित प्रत्येक घटक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया। वर्तमान समय में अपने देश में 24 उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, जैसे मुंबई में मुंबई हाईकोर्ट। तो इस तरह से पूरे देश में 24 उच्च न्यायालय है और 24 उच्च न्यायालयों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय में, और उसके अंडर उसके अधीन कुछ और न्यायाधीश होते हैं और इन सब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के कार्य क्या है? अपने अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का और देखरेख का अधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश देने का अधिकार, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय का परामर्श। इस तरह से हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती है। अगर उच्च न्यायालय में कोई फैसला हमें मान्य नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट क्या करती है? हाई कोर्ट के अंडर में जो छोटी न्यायालय है उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है, छोटे न्यायालय, दुय्यम दर्जे के न्यायालय, उन न्यायालयों में अगर कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई
निर्णय जो हमें मान्य नहीं है उसको चैलेंज हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, और हमारे मौलिक जो अधिकार है उसकी रक्षा करने के आदेश देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राज्यपाल उच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं, अर्थात उच्च न्यायालय जो है बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जिला न्यायालय उसमें जो न्यायाधीश है उसके बारे में विचार विमर्श राज्यपाल उच्च न्यायालय से करते हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जिला और तहसील स्तर के न्यायालयों से लोगों का हमेशा संबंध आता है। प्रत्येक जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होता है। भारत की कानून पद्धति की शाखाएं, कानून पद्धति के दो प्रमुख शाखाएं दीवानी कानून और फौजदारी कानून। अब यहाँ पर उससे भी छोटी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके अधीनस्थ जो छोटे कोर्ट है तालुका स्तर पे जो बनाए गए। अब कानून की दो प्रमुख पद्धति है, एक दीवानी कानून दूसरा फौजदारी। अब दीवानी कानून क्या है, लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद इस कानून के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जमीन से संबंधित विवाद है, किसी का घर किसी ने हड़प लिया है, कोई भाड़ा पट्टे पर कोई विवाद उत्पन्न हुआ, विवाह विच्छेद तलाक जैसी जो बातें हैं यह सब यहाँ पर दीवानी न्यायालय में फैसले होते हैं। संबंधित न्यायालयों में याचिका दायर करने के बाद न्यायालय उस पर अपना निर्णय देता है। और फौजदारी कानून क्या है, आपराधिक कानून, जैसे चोरी डकैती इस तरह का कोई, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएं देना, हत्या आदि इस तरह के जो अपराध किए जाते हैं उसके खिलाफ हम सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी में, फिर पुलिस इसकी जांच करती है, उसके बाद अदालत में मुकदमा चलाया जाता है, मुकदमा दायर होता है, अपराध सिद्ध होने पर गंभीर रूप की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय व्यवस्था का देश के प्रति प्रगति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सामान्य लोगों में भी न्यायपालिका के प्रति आदर और विश्वास की भावना है। भारत की न्यायपालिका ने व्यक्ति स्वतंत्रता संघराज्य और संविधान की रक्षा की है। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में न्यायालय का बड़ा योगदान। इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान की रक्षा करने का दायित्व पूरी तरह से भारतीय न्यायालय के पास है। अगर कहीं भी कुछ भी हमें तकलीफ होती है या हमारे कोई अधिकार का हनन करता है या हम पर कोई हत्या या किसी तरह का कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ हम अदालत में जा सकते हैं। जैसे किसी ने जमीन हड़प ली, किसी का घर हड़प लिया या किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। उसके लिए बाकायदा प्रोसेस है, उसके हिसाब से जा सकते हैं। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।